what we are going to do. Yeah. What is the logic behind it? Under this method, he says, before charging depreciation, I will be keeping aside the money. Means depreciation charge karne ke liye main pehle se hi paisa side pe rakha karunga out of profit. So the company or the firm is going to create the provision for depreciation every year. Right? वैसे हम लोग एंट्री क्या किया करते थे, मैं पुराने मेथड और नए मेथड का कंपैरिजन करवाऊंगी. वहां पे क्या करते थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट, राइट? एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन एंड वी वर पासिंग द एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट, एम आई राइट? अब ऐसा नहीं करना भाई. अब हमने क्या करना है, डेप्रिसिएशन को अभी भी डेबिट करना है लेकिन एसेट को क्रेडिट नहीं करना. आपने वो पैसा उठा के प्रोविजन में जमा करके जाना है. So you will be passing the entry this time in your this method. Paper mein likha hoga, open provision for depreciation account. When he asks you to open the provision for depreciation account, then you will not be passing this entry for charging depreciation. You will passing this entry which I am going to write over here. That is depreciation account debited to provision for depreciation. So kuch bhi khas change nahi hua. Asset ko उसी वैल्यू पे रखना है. तो ये कैसा मेथड है जिसमें एसेट विल नेवर गेट रिड्यूस्ड, अदरवाइज डेप्रिसिएशन के कारण एवरी टाइम द वैल्यू ऑफ द एसेट कम्स डाउन. बट अंडर दिस मेथड द एसेट विल रिमेन इंटैक्ट बिकॉज आपने एंट्री में कभी एसेट को क्रेडिट ही नहीं करना. जब एसेट को क्रेडिट ही नहीं करना तो एसेट की वैल्यू कहां से कम होगी भाई? तो क्वेश्चन कई बार आता है, एट विच वैल्यू यू विल बी शोइंग योर एसेट्स व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज बीइंग ओपन्ड? विल इट एट बुक वैल्यू, विल इट एट कॉस्ट प्राइस, विल इट एट market price? Then your answer will be, it will be shown at the cost price only, because the price you paid to buy that asset, on that value you will be showing your asset every time in your books of accounts, because for charging depreciation you never credit your asset account. Jab aapne depreciation charge kiya, aapne asset account ko credit hi nahi kiya. Done. So agli entry kya kiya karte the, depreciation charge karke puran. This is my old method, this I am differentiating it with my new method, right? जैसे depreciation charge हो जाती थी, आप उसे profit and loss में transfer कर देते थे, profit and loss account debited to depreciation कर देते थे और depreciation account close हो जाया करता था. अब भी ऐसा करेंगे, मतलब नए method में second entry same, profit and loss account debited, depreciation ये debit हुई, इस entry में क्या कर दो, credit कर दो to depreciation, right? So this we will be doing. एक तो डेप्रिसिएशन की चार्जिंग में डिफरेंस है एंट्री का, पी एंड एल में ट्रांसफर करने की एंट्री सेम रहनी है. एक डिफरेंस आपका आएगा व्हेन यू सेल योर एसेट. जब आप एसेट बेचा करते थे, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग द फर्स्ट केस, यू आर सेलिंग इट एट लॉस. जब आप लॉस पे बेचा करते थे, आप एंट्री किया करते थे बैंक अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिटेड और पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड. हम ऐसे ही किया करते थे पुराने मेथड में, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, एम आई राइट? अब क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, लॉस अकाउंट डेबिटेड और जितना डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर चुके हो उसे बी राइट ऑफ करना. मींस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज आल्सो टू बी डेबिटेड इन द एंट्री ऑफ सेल, प्रोविजन फॉर. और यहां पे कितना डेप्रिसिएशन आएगा, दिस डेप्रिसिएशन कंप्राइजेस द डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड पार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल. Means, जो एसेट आप बेचने जा रहे हैं उसके ऊपर अब तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया है, वो सारा डेप्रिसिएशन आपने उठाना है प्रोविजन के अकाउंट का और वो भी आपने डेबिट कर देना है क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है. ठीक है, इससे पहले हम कभी भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन नहीं किया करते थे, इसलिए उसे मीन्स साल भर साल आप इसे क्रेडिट कर रहे हो. ठीक है, जब आपने उस एसेट को बेच देना, आपने उसे डेबिट कर देना, मीन्स उसे खत्म कर देना. So this is only the change. Otherwise, देखो change कुछ भी नहीं हुआ. Earlier you are crediting it and at the time of sale you are just debiting it. Means आप तो उसे खत्म कर रहे हो. But as the method states the logic, it is a part of our syllabus. We have to do like this way only. ठीक है? So provision for depreciation on which part? Sold part. कितना depreciation from the date of DOP till the DOS, that is date of sale, to what asset? बस एक नई चीज आपने एंट्री में डेबिट कर देनी है सेल की एंट्री में. अब रिवर्स एंट्री देखो, अगर प्रॉफिट होता तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, राइट? सो नाउ द सेम क्राइटेरिया वी विल बी फॉलोइंग इन आर इलस्ट्रेशन और इन आर बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, राइट? लेट्स सी, ओपन योर बुक नाउ.
एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड. लेट्स सी फ्रॉम योर बुक एंड आई विल टेल यू द एंट्रीज आई टोल्ड यू एंड द एंट्रीज ही हैज रिटन इन योर बुक. लेट्स सी दैट. Yes, I'm at page number 12.28. So all the entries he wrote in your book, I discussed with you. First entry he wrote in your book, depreciation account debited to provision, then P&L account debited to depreciation, then provision for depreciation to asset. उसने सेल की एंट्री बताई, मैंने आपको सारा बता दिया. सेल की एंट्री में बैंक में तो डेबिट होता है, अगर लॉस है तो लॉस क्या होता है, डेबिट होता है. ठीक है, उसने दोनों बता दिए, लॉस है तो आपने कैसे करना है, प्रॉफिट है तो आपने कैसे करना है. ठीक, लेकिन उसने कंप्लीट एंट्री नहीं बताई. आई रोट द कंप्लीट एंट्री ऑन द बोर्ड. सो दिस 15th इलस्ट्रेशन इज सॉल्वड इन द बुक. आई विल नॉट बी डूइंग दैट. आई विल बी डूइंग 16 फॉलो अप. पेज नंबर 12.31, 16 फॉलो अप. एवरीबॉडी विल सॉल्व विद मी. पेज नंबर 12.31, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड वी आर गोइंग टू फॉलो. And one thing more, when we were preparing our depreciation account, it was balanced every year. Means जितना आप depreciation charge करते थे, उतना P&L account में transfer कर देते थे, उसकी कभी balancing figure नहीं आती थी. But when I talk about provision for depreciation, it will be increasing year by year. Provision for depreciation का हर साल balance बढ़ता जाएगा. Balance इसका तभी कम होगा अगर आप asset को बेचो. और वो भी सारा प्रोविजन खत्म हो जाएगा अगर आपने सारी एसेट बेच दी. लेकिन अगर एसेट आपने पार्ट में बेचा है तो इसका बैलेंसिंग फिगर अभी भी बच जाएगा. सो लेट्स सी हाउ वी विल बी प्रिपेयरिंग दिस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. यस, हियर बाय दिस स्पेस आई ऑलवेज यूज फॉर माय वर्किंग नोट्स. लेट्स सी. Let's see. This is Madhu Godbole purchased 5 computers. So 5 computers है इसके पास. हर computer 40,000 का है. It means कि total value of the computer is 2 lakh, right? That person has bought 5 computers and the date of purchase is, let me write it for you, 1st April 16. 20% rate of depreciation है, fixed installment basis है. 2 computer इसने बेच दिए 20,000 के एक, और बेचे कब है, 31 मार्च 2018 को. तो डेट ऑफ सेल ही इज गिविंग. अब मेरे पास 5 computer है. रूल तो ये कहता है मैं 3 computer अलग करूं और 2 computer अलग करूं. एंड लेट मी टेल यू DOS दैट इज 31st March 2018. Am I right? So, आपको बताया हुआ है यहां तक सिस्टम सारा सेम है. वर्किंग नोट्स आर सेम. इसमें कोई भी चेंज नहीं करनी. जब लेजर अकाउंट बनाएंगे देन ओनली द चेंजेस आर गोइंग टू बी अकर्ड, राइट. सो 3 कंप्यूटर्स आई विल बी कीपिंग सेपरेटली बिकॉज दीज आई एम नॉट सेलिंग. ओनली 2 कंप्यूटर्स आई एम सेलिंग एंड द डेट ऑफ सेल ही इज गिविंग टू मी. 20% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है. आपको कितनी देर का पहले 2 सालों का लेजर अकाउंट बनाना है पहले देखते हैं. प्रॉफिट और लॉस तो कैलकुलेट करना ना. 3 कंप्यूटर, 1 कंप्यूटर 40,000 का है तो 3 कंप्यूटर कितने के हुए, 120 के. दिस वॉज ऑन 1st April 16. 2 कंप्यूटर कितने के हुए, 80 के. डन. 20% मेरे को फिक्स इंस्टॉलमेंट के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना है. 1,20,000 का 20% मीन 24,000. वैल्यू बची 96,000. 80,000 का 20% मीन 16,000. वैल्यू बची 64,000. अब क्या करना है, सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आई विल बी चार्जिंग ऑन द नेक्स्ट ईयर. दिस डेप्रिसिएशन आई चार्ज इन 31st March 2017. नाउ आई विल बी चार्जिंग इट 31st March 2018. सेम अमाउंट, फिक्स इंस्टॉलमेंट में सेम अमाउंट रहती है, 24,000. 000, दिस इज 2, दिस इज 7, और यहाँ पे 16 ही रहेगा. 0008 and 4. सो 48,000 दो कंप्यूटर्स की वैल्यू है, राइट. And I sold it for 20,000 each. So this is the book value of my sold computers. I am selling it at 20,000 each. 20 into 2 means 40,000 mein becha. So as the book value is greater than selling price, it means ki I am at loss. Piche check kar lijiye, 8,000 loss ho. Done.
और आज भी जब आप कंप्यूटर्स का अकाउंट बनाएंगे तो उसकी बैलेंसिंग फिगर 72,000 रहेगी. Why? Because three computers are still with me. Right? So I am going to prepare first of all computers account. Then I will start provision for depreciation account. Depreciation account नहीं पूछा उसने मेरे से, उसने दो ही account पूछे हैं. One is computer account and other is provision for depreciation account. Right? So let's begin. Computers account. पीछे से आंसर चेक किया. 8,000 here loss. This is for date column. This is for particulars. This is for amount. Again date, particulars and amount. Done. So we are going to start it. I bought 5 computers. Collectively 5 computers kharide. Main unhe alag alag kar dungi. 2 bank. Number 1 and number 2. Number 1 mere liye 120 ke hain, jo maine nahi bechne. Number 2 mere liye 80 ke hain. कुल मिला के 2 लाख ही लिखना है, लेकिन डिवाइड कर दोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा. बिकॉज दिस आई एम कीपिंग विद माई सेल्फ, दिस आई एम गोइंग टू सेल. तो आप 2 पहले भी लिख सकते हो, 3 बाद में भी लिख सकते हो. इट डिपेंड्स अपॉन यू. दिस इज द वे यू हाउ यू अप्लाई योर माइंड व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन. राइट नाउ दोनों के ऊपर डेप्रिसिएशन है, क्योंकि दोनों का डेप्रिसिएशन मैंने अलग अलग निकाला है. सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग लाइक दिस वे. सो दिस डेप्रिसिएशन आई विल बी चार्जिंग ऑन. एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन की एंट्री बोलो पहले. अभी मैंने बताया इस मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या आनी है. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. कहीं पे मैंने लिखा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू कंप्यूटर? नहीं. इट मींस कि इस मेथड के अकॉर्डिंग आपकी एसेट की वैल्यू सेम ही रहनी है. एसेट को आपने रिड्यूस नहीं करना. तो 31 मार्च 2017 को जो मेरा ओपनिंग बैलेंस था वही मेरा क्लोजिंग बैलेंस रहेगा. बिकॉज एसेट्स नेवर कम्स डाउन. Though the method seems to be illogical. Depreciation के कारण asset की value down होनी चाहिए थी, लेकिन ये कहता है मैंने asset की value down नहीं करनी, मैंने सीधा पैसा provision में क्या कर देना है, transfer कर देना. So I will be writing the same balancing figure here. By balance, carry down. Number 1, number 2. Number 1 is of 120, number 2 is 80,000. So total is 2 lakh. याद रखना है, अगर आप पुराने मेथड से ये क्वेश्चन किया करते तो आप यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन 1 बाय डेप्रिसिएशन 2 लिखते और माइनस करके आप उसकी क्लोजिंग फिगर लिखते. लेकिन इस मेथड के अकॉर्डिंग द वैल्यू ऑफ द एसेट इज रिमेनिंग सेम. बिकॉज व्हाइल पासिंग द एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन वी नेवर राइट 2 एसेट, वी पास द एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. सो दैट्स व्हाई द एसेट इज गोइंग टू बी सेम. नाउ 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस बोलिए ब्रॉट डाउन. नंबर 1, नंबर 2, इट इज रिमेनिंग सेम. अब एंट्री बताइए. दिस इज 80. अब सेल की एंट्री मैं लिखने जा रही हूं. लॉस पे लिखा है बैंक अकाउंट डेबिटेड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड, यस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कंप्यूटर्स अकाउंट. इज इट विजिबल टू एवरीवन? सो लेट मी एडजस्ट द कैमरा. यस, दिस इज द एंट्री. I'm repeating it again. Bank account debited. Provision for ये provision for depreciation किसका होगा? On sold part. Till the date of sale. From the date of purchase till the date of sale. 16 ये लगा 32,000. इस provision की अब मेरे को जरूरत नहीं है क्योंकि ये asset पुराना हो गया, मैंने बेच दिया. कितने में बिका asset? 20,000 each computer. 40,000. 8,000 is loss. Value दोनों computers की कितनी थी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दोनों कंप्यूटर्स की यहाँ पे बुक वैल्यू आनी है भाई. बुक वैल्यू कितनी थी? दिस इज 40, 80. सो 80,000 के कंप्यूटर आपके चले गए. 80,000 मींस दैट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट. राइट, कितना मिला बदले में आपको? 40,000. 32,000 इसके ऊपर क्या था? डेप्रिसिएशन. कुल मिला के आपको 8,000 क्या करना पड़ा? लॉस सफर करना पड़ा. नाउ आई विल बी राइटिंग दिस एंट्री हियर. And when we are going to sell it 31st March 18, by bank 40,000, by provision for depreciation, how much? 32,000, by loss 8,000. Up. इस 80,000 का हिसाब किताब खत्म हो गया because the second part I sold. अभी भी बैलेंसिंग फिगर कितनी रहेगी? 120 रहेगी, क्योंकि 3 कंप्यूटर अभी भी आपके पास है. एंड दैट कंप्यूटर्स आई विल बी शोइंग एट द कॉस्ट प्राइस इन माय कंप्यूटर्स अकाउंट. ठीक है, तो ऑन द सेम डेट यू विल बी राइटिंग बाय बैलेंस कर दो 1,20,000. दिस इज अनसोल्ड. अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए और एग्जामिनर को बताने के लिए
इन ब्रैकेट यू कैन राइट अनसोल्ड, राइट, और दोनों साइड्स का टोटल वंस अगेन दिस इज 2 लाख. एनी डाउट टू एनीवन, यू मे रेज योर हैंड, यू कैन आस्क योर क्वेरी. एनी डाउट टू एनीवन, यू मे आस्क. शुड आई रेज इट? सो एट द सेकेंड इंस्टेंस ही इज आस्किंग फ्रॉम मी prepare provision for depreciation account. So every year I charge the depreciation, but I pass entry depreciation for depreciation account debited to provision. So एक depreciation 1 है, एक depreciation 2 है. पहले के ऊपर 24 है, दूसरे के ऊपर 16 है, दोनों दोनों साल. ठीक है, ये आपका unsold part है, मतलब 3 computers की है, और ये आपके 2 computers की है, there is 16,000. So let's prepare provision for depreciation. Every time the entries will run into my mind. मैंने जब चैप्टर स्टार्ट करवाया था तभी बोला था एंट्रीज ही नेवर आस्क, लेकिन विदाउट पासिंग द एंट्रीज हाउ कैन यू प्रिपेयर द लेजर अकाउंट. सो यू शुड हैव दिस मच प्रैक्टिस दैट एंट्रीज विल एवरी टाइम रन इनटू योर माइंड एंड यू विल बी प्रिपेयरिंग द लेजर अकाउंट, राइट. सो लेट्स सी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट. अगर कंप्यूटर 2 सालों का बनाया है स्टूडेंट, सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी 2 इयर्स का ही बनेगा. लेट्स प्रिपेयर इट. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. दिस इज फॉर डेट. This is for particulars, then amount, then date, then again particulars and amount, right? See the heading of the ledger account, provision for depreciation account. So let's begin. पहले साल आपने कब depreciation charge किया? 31 मार्च 17 को. The date I have written over here. See the board, second part of the board. 31st March 17. I charge the depreciation. I pass the entry depreciation account debited to provision. Entry में provision credit हुआ है. 31st March 17 को you will be writing by depreciation. I always assume you know the name of the columns. This is for date. This is for particulars. Amount. And same is going to happen with your credit side, right? This is depreciation account. Number one, number two. Number one के ऊपर 24,000, नंबर 2 के ऊपर 16,000, क्लियर. अब यही आपका क्या बनेगा? बैलेंस बनेगा भाई, जितना डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया वही तो क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा, 40,000. डन. सो ऑन द सेम डेट यू विल बी राइटिंग इट एज क्लोजिंग बैलेंस, 2 बैलेंस कैरिड ऑन, दैट इज 40,000. यही अगले साल आपका क्या बैलेंस बनेगा? ओपनिंग बैलेंस. That I will be writing on 1st April 17. This is by balance brought down. You know provisions and reserves का, अगर आपको trial balance के chapter का याद हो तो provisions and reserves always have credit balance. So that's why its opening balance is always coming on the credit side. By balance brought down. साल फिर से बीता, ये मैंने डेट लिखी हुई है 31st March 18 आया. 31st March 18 को आपने फिर से depreciation लगाया, फिर से एंट्री सेम हुई बाय डेप्रिसिएशन. डेट लिखिए 31st मार्च 18 बाय डेप्रिसिएशन 1, बाय डेप्रिसिएशन 2, हां जी 1, 24,000, 2, 16,000. डेप्रिसिएशन चार्ज करी हम लोगों ने. अब याद करिए वो एंट्री जो मैंने लिखी थी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड. सी द स्क्रीन वंस अगेन. So this is the entry we passed at the time of sale of our asset. We wrote it provision for depreciation account debited, loss account debited to computers. ठीक है, provision for depreciation में कितना, यहाँ पे मैंने डाला था 40, यहाँ पे मैंने डाला था 32 and the loss was 8,000. So आपको नहीं लगता इस entry में provision for depreciation क्या हुआ है? Debit. It means कि उसकी posting में debit side पे करूँगी. क्या लिखूँगी मैं यहाँ पे? On the date of sale. टू कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर के अकाउंट में आपने बाय प्रोविजन लिखा है भाई, दैट इज 32,000. सो इस साइड का टोटल आपका कितना आया? 80. चेक करो, इसका भी आंसर दे रखा होगा. 32,000 बीच में से माइनस कर दिया,
टू बैलेंस कैरी डाउन 48,000. So, दोनों साइड्स का टोटल वंस अगेन 80. इस 48,000 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख के आओगे. सो लेट मी चेक, दिस वाज 16, फॉलो अप, आंसर ठीक है हमारा, 48 ही है उसका और 8,000 लॉस है. 16th फॉलो अप बिल्कुल ठीक है, 48,000 डन. एनी डाउट टू एनीवन यू मे आस्क. सो दिस वाज योर 16th फॉलो अप. हाँ, लेट्स डू 17th एलोसिएशन फर्स्ट. हाउ इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, लेट्स सी. Your 17th illustration, it's at page number, same page number 12.31. Let's begin with that. Read it, everyone. How this question is going to be different, because for the first time he is giving us in the question balance of provision for depreciation account, right? So balance of provision for depreciation account, you will be writing it on the credit side. कल भी मैंने टेस्ट में एक क्वेश्चन डाला था, the balance of asset account or machinery account of the last year brought forward this year. तो सजा के सबने लिख दिया टू बैंक, rather आपको लिखना था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि उसने बैलेंस दिया था. कहीं पे लिखा है the company has purchased the asset, उसने लिखा है balance of machinery account on 1st April या 1st January is this. इट मीन्स कि ये पिछले साल का क्लोजिंग था, इस साल का क्या है, ओपनिंग है. यू नीड टू राइट द फर्स्ट एंट्री टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. सो एवरी टाइम ही विल नॉट बी गिविंग यू इन द क्वेश्चन अबाउट द परचेज ऑफ द एसेट, समटाइम्स ही मे गिव यू द बैलेंस ऑफ द लास्ट ईयर बीइंग ब्रॉट फॉरवर्ड दिस ईयर. सो यू नीड टू बी कॉन्शियस एनाफ हाउ टू पास द जर्नल एंट्री, हाउ टू राइट इट इन योर लेजर अकाउंट. सो सेम इज गोइंग टू हैपन हियर. फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, आई विल बी राइटिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन व्हेन आई विल प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस दे रखा है, व्हेन आई विल प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आई विल बी राइटिंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि प्रोविजन का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट. सो लेट्स सी दोनों के लेजर अकाउंट पूछेंगे. आई विल स्टार्ट विद द फॉर्मेट्स ऑफ लेजर अकाउंट एंड अगेन दैट साइड आई विल यूज फॉर वर्किंग नोट्स. अगेन इट इज गोइंग टू बी टिपिकल. You need to be conscious enough when I solve the question. Or kisi bhi calculation mein koi bhi problem hai, you may raise your hand, you can ask your queries. So this portion we always use for your working notes. Here I am preparing my furniture account. Ek hi saal ka hoga shayad. 18 hai na? Usi 18 mein aapne asset ko becha hai. एक ही साल का बनाना है. यस, 31st मार्च 19 तक ही तो बनाना है. सो वी विल बी प्रिपेयरिंग फर्नीचर अकाउंट ओनली ऑफ वन ईयर, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट. सो इट इज गोइंग टू बी ऑफ वन ईयर ओनली. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, done, same format, date particulars amount, date particulars and amount, done. दोनों के ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं स्टूडेंट्स, और मेरे को कहां से पता चला these are the opening balances, because the first line he is writing in your book, that is on 1st April 2018 the following balances appear in the books of accounts of Krishna Traders. So that line indicates me these are the balances. और एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है and the date he himself is giving 1st April 18. So write it here, 1st April 18. Two balance brought down. कितना बैलेंस है हमारे पास फर्नीचर का? That is 50,000. I will be writing on the debit side. What about the provision for depreciation balance? That is 22,000. So same date, 1st April 18. I will be writing by balance brought down. इसका भी पिछले साल का बैलेंस चल रहा होगा. That is 22,000. अब हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट होगी, which is going to be typical. ठीक है, पे योर अटेंशन. इसी साल 1st अक्टूबर 18 को हमने क्या किया, अ पार्ट ऑफ द फर्नीचर परचेज्ड फॉर 20,000 जो मैंने खरीदा था 2014 में. आपके पास फर्नीचर ओवरऑल 50,000 का है अब की डेट को, ठीक है. लेट्स सी, एट प्रेजेंट यू हैव द फर्नीचर ऑफ रुपीज 50,000 इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट. ही सेज 1st अक्टूबर इज द डेट ऑफ सेल. 1st October 18 is the date of sale. कहता इस दिन मैंने वो एसेट बेचा जो मैंने 2014 में खरीदा था 20,000. It means कि उसकी DOP थी
फर्स्ट अप्रैल 14 और वो खरीदा कितने का था हमने, परचेज फॉर 20,000 और आज हम उसे बेच रहे हैं 5,000। जो चीज आज से 3.5 साल पहले या 4.5 साल पहले आपने 20,000 की खरीदी हो और आज आप उसे 1 अक्टूबर 18 को 5,000 की बेचो, तो आपकी ड्यूटी बनती है पहले उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओ, बिकॉज दिस इज व्हाट ही इज गिविंग यू द कॉस्ट एंड यू नीड टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑन इट, बिकॉज एवरी टाइम द सेलिंग प्राइस इज टू बी कंपेयर्ड विद द बुक वैल्यू, नॉट विद द कॉस्ट प्राइस। सो आई विल बी टेलिंग यू फॉर हाउ मेनी मंथ्स, फॉर हाउ मेनी इयर्स यू आर गोइंग टू चार्ज द डेप्रिसिएशन। And the depreciation ka method, I am just searching 10% per annum on original cost method. And you know, depreciation was charged on the asset in the year of sale. ठीक है, year of sale में हम depreciation नहीं लगाएंगे, वो कौन सा year of sale होगा, let me tell you. And every year the company is closing its accounts on 31st March. Done? जब मैं बात करूंगी 14 की, है ना, 14 को ही asset खरीदा था, it means कि 14-15 का depreciation लगेगा, 15-16 का depreciation लगेगा, 16-17 का डेप्रिसिएशन लगेगा, 17-18 का भी लगेगा। इज इट क्लियर विद यू? 18-19 का नहीं लगेगा, बिकॉज यू आर सेलिंग इट ऑन 1 अक्टूबर 18। यू आर सेलिंग इट ऑन 1 अक्टूबर 18। वंस यू आर सेलिंग इट ऑन 1 अक्टूबर 18, इट मींस कि 18-19 का नहीं लगेगा। नाउ हर्षिका, इज इट विजिबल? व्हेन आई कम क्लोजर टू द स्क्रीन इट इज विजिबल, वर्किंग नोट शी इज टॉकिंग अबाउट, so I can see it. DOS is this, DOP is this, and this is the cost of the asset which you bought on 14. So 4 सालों का जब मैं depreciation लगाऊंगी students, 1 साल का 10% होता है, उसने दे रखा है मेरे को rate 20,000 का 10% किया तो 2,000, तो मैं सीधा 2,000 × 4 करूंगी, ठीक है, आसान बनाऊंगी ना मैं अपना तरीका, क्योंकि स्टेट लाइन में होता ही सेम है अमाउंट, 1 साल का कितना हुआ 2,000, तो 4 सालों का 8,000 हो गया। So you have the value of the asset with you is 12,000, which we call book value. And 12,000 wali cheez ko you are selling it at 5,000. So we are losing with 7,000. Yes, I was looking for the answer. 7,000 is the loss. Done. Selling price he is giving you. Aapne ise 5,000 mein becha. So you are losing with 7,000. ठीक, अब मेरे को इसकी एंट्री यहाँ पे करनी है. Entry will again run in my mind. Entry क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड, लॉस अकाउंट डेबिटेड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में कितना डेप्रिसिएशन लेना है? फ्रॉम द डे, वैसे तो कहने को अगले साल भी 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था, बट ही हिमसेल्फ रिस्ट्रिक्टेड अस, उसने बोला इन द ईयर ऑफ सेल मैंने डेप्रिसिएशन नहीं लगाना। सो 18-19 में, क्योंकि आप कब बेच रहे हो, 1 अक्टूबर को, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना बनता था, लेकिन उसने एक लाइन लिख दी क्वेश्चन में, इन द ईयर ऑफ सेल नो डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज, सो आई एम फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शंस। Done. So provision for depreciation is to be debited with 8,000, क्योंकि मैंने आपको बताया है sold part का depreciation from the date of purchase till the date of sale you need to debit. So I'm passing the entry over here, and this entry I will be passing in 1 अक्टूबर. By bank कितने में बिका? 5,000. By loss, loss को हम profit and loss account में डाल देते हैं, वो भी ठीक है, that is 7,000. By provision for depreciation कितना? 8,000. इस 50,000 में ये 20,000 वाला एसेट इंक्लूडेड था, मींस फर्नीचर इंक्लूडेड था, 50 में से 20,000 का सेल हो गया, क्लियर कट यू कैन टेल टू द एग्जामिनर दैट 30,000 इज द बैलेंसिंग फिगर। लेकिन हमने कुछ नया एसेट भी खरीदा है, वो देखना क्या, ऑन द सेम डेट, सेकेंड लाइन पढ़ो पैराग्राफ की, ऑन द सेम डेट मीन्स ऑन 1 अक्टूबर 18 न्यू फर्नीचर वॉज परचेज ऑफ 25,000, सो सेम एंट्री आई विल बी पासिंग हियर। जब आप नया फर्नीचर खरीदते हो तो एंट्री क्या होती है? फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, टू बैंक, ब्रैकेट में 2 नंबर लिख दो, 25,000 का आपने खरीदा, इस साइड का टोटल 75,000 हुआ, 75,000 में से ये 20,000 माइनस होगा, सो योर बैलेंसिंग फिगर ऑन 31 मार्च 18 और 19 बाय बैलेंस कैरी डाउन विल बी 55,000, एंड दैट बैलेंस यू विल बी ब्रिंगिंग फॉरवर्ड। आप यहां पे लिखोगे 1 अप्रैल 19 को 2 बैलेंस ब्रॉड, जितनी भी अमाउंट है आप अमाउंट के कॉलम में लिखोगे, एंड दैट कम्स टू अस 55,000। सो नाउ द टाइम हैज कम व्हेन आई विल बी बैलेंसिंग दिस अकाउंट। पहले तो जब आपने इसे बेचा है एसेट को, तो आपने 8,000 का प्रोविजन क्या किया है? राइट ऑफ। सो दिस एंट्री आई विल बी पासिंग ऑन 1 अक्टूबर 18।
अगर फर्नीचर अकाउंट में बाय प्रोविजन लिखा है तो प्रोविजन के अकाउंट में टू फर्नीचर लिखूंगी, कितना? दैट इज 8000। ये वाला मैं इधर लेके आई। अब आपके पास इस 50 में से 30,000 का फर्नीचर पड़ा है जिसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, और 25,000 का फर्नीचर आपने और खरीदा जिसके ऊपर 6 महीनों का डेप्रिसिएशन लगेगा। जब मैं इस 30,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाऊंगी तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट बनेगी 3,000। जब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट बनेगी, पूरे साल का 2500 बनना है और हाफ ईयर का कितना बनेगा, 1250। सो आई एम गोइंग टू चार्ज डेप्रिसिएशन ओवर हियर। एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आई एम रिपीटिंग द सेम लाइन। इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन के कारण कभी भी एसेट की वैल्यू डाउन नहीं होनी। जितनी डेप्रिसिएशन आप चार्ज करते हो उतना प्रोविजन में क्या कर देना है, क्रेडिट। सो आई विल बी राइटिंग हियर बाय डेप्रिसिएशन, नंबर वन। नंबर टू, नंबर वन के ऊपर 3000, क्योंकि इस 50 में से बचा ही कितने का, 20 तो बिक गया, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग दैट एंड यू आर फोर्स टू अज्यूम, जो 20,000 का बेचा इस 50,000 में इंक्लूडेड था, ठीक है। अब कितने का रह गया, 30,000 का। 30,000 के ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा तो 3000 आया। जो नया खरीदा है पूरे साल का अगर होता तो 2500 लगना था, आपने हाफ करना है बिकॉज 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आपने लगाना है, 1250। डन। सो नाउ यू विल बी फाइंडिंग आउट द बैलेंसिंग फिगर। 25 × 1 = 26, 26,250, 26,250 में से 8,000 माइनस किया, सो यू विल बी हैविंग 18,250 एज योर बैलेंसिंग फिगर, एंड दिस बैलेंसिंग फिगर यू विल बी राइटिंग ऑन 31 मार्च 2019। बोथ साइड्स टोटल यू विल राइट 26,250 बिकॉज ओनली द पार्ट ऑफ द फर्नीचर यू आर सेलिंग, सो इट विल डेफिनेटली बी शोइंग अ बैलेंसिंग फिगर। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पूरा खत्म नहीं होगा क्योंकि आपने पूरा एसेट नहीं बेचा, आपने सिर्फ उसका पार्ट बेचा, ठीक है। एनी डाउट टू एनीवन यू मे आस्क, एनी कंफ्यूजन टू एनीवन यू मे आस्क।